हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन ढाका चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। सर्दियों में जो चटनी होती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो चटनी का ही वीडियो है। तो फ्रेंड्स चटनी बहुत अलग अलग तरीके से बनती है। आज मैंने बनाई है राजस्थान की फेमस पारंपरिक चटनी लहसुन और हरी मिर्च और मूँगफली के साथ। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे राजस्थान की जो पारंपरिक चटनी है ये बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और ये यहाँ राजस्थान में बहुत ही फेमस है ये चटनी। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताती हूँ वीडियो में कि ये कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये दो टाइप की हरी मिर्ची ली हैं। एक ली है थोड़ी बड़ी हरी मिर्ची और एक ली है ज़्यादा तीखी वाली। तो इस पर सबसे पहले इनके हम जो डंठल हैं वो निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों हरी मिर्ची के डंठल निकाल दिए हैं और अभी हमें इन हरी मिर्चों को कट कर लेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको ज़्यादा तीखी मिर्ची चाहिए तो आप ये छोटी वाली मिर्ची ज़्यादा यूज़ कीजिए। अब कम तीखी चाहिए तो आप बड़ी वाली मिर्ची ज़्यादा यूज़ कीजिए। मैंने दोनों सेम क्वान्टिटी में ली हैं और थोड़ी सी मैंने मूँगफली के दाने लिए हैं और लहसुन और अदरक लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो मूंगफली हैं उनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, इसलिए मैंने ये मिट्टी का तवा रखा है। तवा हमारा बिल्कुल गर्म है और उसके ऊपर मैंने डाल दी है मूंगफली। मूंगफली को जैसे ही हम सेकेंगे इसके ऊपर तो जो इसके छिलके हैं वो छिलके निकल जाएंगे। तो छिलके निकालने के लिए ही मैं इन मूँगफलियों को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो देखिए ऐसे कंटिन्यू थोड़ा सा इनको पका लेंगे तो ये जो छिलके हैं वो लूज होके उतर जाएंगे। तो देखिए हमारी जो मूँगफली हैं वो पक गई हैं। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस को कर देना है बंद, क्योंकि मिट्टी का तवा है ये गर्म रहेगा, बची हुई इस पर सिक जाएंगी। तो इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया, देखिए जो सारी मूँगफलियाँ हैं उनको, और जैसे जैसे ये ठंडी होंगी इनका छिलका निकलता जाएगा ऐसे करके। तो देखिए जब तक छिलका निकल रहा है, मूँगफली ठंडी हो रही है, हमें दूसरा काम कर लेना है। तो सबसे पहले हमने ये जो मिर्चें ली थी इन मिर्चों को हम काट लेते हैं, क्योंकि मिर्चों को हम काट के ही फ्राई करेंगे, नहीं तो ये मिर्चें जो होती हैं अगर साबुत होंगी तेल में डालेंगे तो ये छिटक जाती हैं और लगने का डर रहता है। इसलिए हमें जो बड़ी मिर्चें हैं उनके दो दो पीस कर लिए हैं और बीच में से कट कर दिए हैं, और छोटी जो मिर्ची हैं उनको मैंने बीच में से काट लिया है, इनकी दो फांक नहीं की हैं अलग अलग, बस बीच में से कट मार दिया है। और इधर देखिए मैंने ये फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में मैंने तेल डाल दिया है और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा जब नॉर्मल सा गर्म होता है हल्का सा तेल, उसी में मैंने डाल दिए हैं लहसुन और अदरक। और लहसुन और अदरक को हम स्लो टू मीडियम गैस की फ्लेम में ही पकाएंगे। ज़्यादा अगर तेल गर्म होगा तो लहसुन हमारा जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं, तो बस इसी में हमें इसको पका लेना है। तो मैं कंटिन्यू हिलाते हुए इसको सोटे कर लूँगी और जैसे ये थोड़ा सा पकेगा उसमें मैं डाल दूँगी एक प्याज। ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने लंबे लंबे पीसेज में कट कर लिया है। तो इस प्याज को भी हम लहसुन और अदरक के साथ में पका लेंगे। तो देखिए मैं इसको कंटिन्यू ऐसे हिलाते हुए, प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी, इसको भी बस हल्का सा सोटे करना है और जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें इसको पका लेना है। तो देखिए प्याज और लहसुन अदरक पक गए हैं, इसके अंदर अब हम डाल लेते हैं जो हमने मूँगफली ली थी वो मूँगफली। तो उस मूँगफली का मैंने दाना इसका दाने का मैंने ऊपर से छिलका निकाल दिया है और बिना अगर आप छिलके की यूज करना चाहते हैं तो छिलका, बट जिस छिलका इसके अंदर बीच बीच में आता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने छिलके सारे निकाल दिए हैं। और इसको भी, ये मूँगफली तो वैसे पकी हुई है पर इसका जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो इसमें तेल में मैं फ्राई करके निकाल दूंगी, क्योंकि ये चटनी जो है इसमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको स्टोर करके रखने वाले हैं। तो देखिए सारी चीज़ें पक गई हैं अच्छे से, इनको मैं निकाल लेती हूँ एक साइड में। और इनको निकाल के और जो हमने हरी मिर्चें ली थी उनको हम तेल में अच्छे से सोटे कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली थी उनको सोटे कर लेती हूँ। और फिर ये देखिए बस इतना ही सोटे करना है हमें हरी मिर्चों को, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं अलग बाउल में। तो ये देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में इसी तरीके की आपको पकानी है। और अभी जो हमने छोटी हरी मिर्चें ली थी उनको तेल में डाल के इनको भी सोटे कर लेना है। और इसके साथ साथ में ही हम कर लेते हैं जीरे को, क्योंकि जीरे में भी मॉइस्चर होता है थोड़ा, तो हमें उसको, और थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ इसमें हींग, और अभी डाल देती हूँ इसमें मैं नमक।
तो इन तीनों चीज़ों को भी हम हरी मिर्च के साथ पका लेंगे ताकि इसमें भी मौसर बिल्कुल ना बचे और अच्छे से हम इसमें चटनी जो है हमारी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो। तो देखिए मैंने नमक डाल दिया है और इनको हम थोड़ा सा नमक को भी गर्म कर लेंगे तेल में। तो ये देखिए सारी चीज़ें पक के तैयार हो गई हैं और इनको भी मैं अभी उसी बाउल में निकाल लेती हूँ और इस बाउल में मैं निकाल के छोड़ दूँगी जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए। ठंडा होने के बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे जो हरी मिर्च लहसुन अदरक और जो मूंगफली है वो ठंडी हो गई हैं और ये लिया है मैंने मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में डाल के मैं इसको पीस लूँगी और अच्छी सी चटनी बना लूँगी। इसको हम दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा बारीक महीन नहीं पीसना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा महीन नहीं पीसा है, ये देखिए बस दरदरा सा ही इसका पेस्ट बनता है, ज़्यादा महीन नहीं होता। और ये देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो मैंने ये कटोरी ली है और कटोरी में मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हो गई है। देखा आपने वीडियो में कितनी इजी और बहुत ही कम सामान के साथ, इसमें जो सामान यूज होता है वो नॉर्मली सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है इस चटनी की कि आप इस चटनी में बिल्कुल भी जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं उनको सबको आपको सोटे करना है, बिल्कुल भी उनमें मॉइस्चर नहीं है रखना होता है, क्योंकि हम इस चटनी को एक महीने के लगभग, 1 से 1.5 महीने के लगभग इसको आप यूज कर सकते हो किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल के, और फिर उसको आप फ्रिज में रख दीजिए और महीने भर तक आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा जो वीडियो है ये कैसा लगा, और आप इसको लंच में, ब्रेकफास्ट में और डिनर में आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप टिफ़िन में भी यूज़ कर सकते हो, पराठे के साथ, पूरी के साथ और दाल के साथ आप इसको खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए। और मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।